हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग फिर से एक नया ब्लॉग लेके आए हैं और हम लोग इसमें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, तो इस वीडियो में भी हम लोग थोड़े बहुत अपने बारे में बताने वाले हैं। आज मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और नेहा भी बताएगी ये क्या करती है। दिन भर सोती है बस घर में। हाँ। और आप लॉकडाउन में? लॉकडाउन है तो छुट्टी मिला हुआ। एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, बिहार गवर्नमेंट में। अभी तो लॉकडाउन चल रहे हैं इसलिए ताना मार रही है कि अभी लॉकडाउन, और लॉकडाउन से पहले 10 से 6 तो फुर्सत मिलता नहीं है। अच्छा क्या? और अभी तो छुट्टी है, सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है। आती हूँ खाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम ही बनाती हो, मान लिए ऑडियंस के सामने मान लिए कि तुम ही बनाती हो। बताओ तुम क्या खाने वाली हो? जा रहे हैं अभी बनाने के लिए, उसके बाद आप लोग को भी दिखाएंगे क्या बनेगा आज। क्या बना रही हो? समोसा चाट। आता है बनाने समोसा चाट? कोशिश तो कर सकते हैं, और आप हेल्प करिएगा। हेल्प क्यों, हम ही से बनवाएंगे सारा, ये तो कंफर्म है, है ना? बिल्कुल गलत। नहीं, मजाक कर रहे थे, बनाते तो नेहा ही है, हमको तो आता भी नहीं है बनाने। थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत भी कभी बनाते हैं तो हाथ ही जला लेते हैं, तो नेहा ही बनाती है, तो मजाक कर रहे थे। चलिए अब जब बनाएगी नेहा तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे ये समोसा चाट बना रही। बाजार टाइप बनेगा ना? क्यों, इतने दिन से खाए नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बाजार टाइप ना खाए तो बेकार है ना। कोशिश तो कर सकते हैं बाजार टाइप बनाने का। ठीक है, तो फिर आप लोग को भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसा बनाती है और आगे बताएंगे सारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेकेंड ब्लॉग है और आज डेट है 13/5/2021 और टाइम हो चले हैं रात के 8 बज गए हैं। और नेहा ने आपको बताया था कि समोसा चाट बनाने वाली है, तो उसने तैयारियां भी शुरू कर दिया है क्योंकि 8 बज गए हैं, टाइम टेकिंग है बनाने में, इसलिए वो बनाने के लिए चली गई है। और चलिए तो फिर दिखाते हैं। आप क्या कर रही हो नेहा? अभी तो समोसा चाट का तैयारी कर रहे हैं। और ये क्या कर रही हो? प्याज चना छोला बनाने के लिए। प्याज काट रही है नेहा। उसके बाद अब फिर आलू भूजेंगे समोसा के लिए। सारा तैयार कर लिया। हाँ, ये छोला है और मटर भी है, दोनों मिक्स कर दिया नेहा ने समोसे के ऊपर डालने के लिए। और ये आलू है तो अभी समोसा में भरने के लिए आलू अभी उबाल लिए नेहा, और अभी प्याज कटिंग कर रही है। और ये कुकर में क्या है? कुकर में कुछ नहीं, अभी बनाना है। ओ खाली है तो इसमें ये गंदा क्या लगा हुआ है? गंदा दाल है। दाल है? अच्छा ठीक है। अब ये क्या कर रही हो नेहा? हमारे किचन में आ रही है क्यारा। हेलो डांस करो क्यारा। हम नहीं ठुकने वाले हैं। क्या है? जीरा। देखिए हमको जीरा थकुचने के लिए दे दिया। अब तुम क्या करोगे? अब बनाएंगे ना। क्या? चना। वेब को? अच्छा चना बनाओगे। जरा देखिए चना में क्या डाल दिया। सरसों तेल। सरसों तेल। चलिए नेहा को करने दीजिए, अब चलते हैं हम जीरा को थोड़ा थकुच दे। देखिए क्यारा खेल रही है यहाँ पे, और ये भी देखिए हमसे कितना मेहनत करवा रही है। और ये जीरा, बस जीरा थुचुक रहे हैं। ये हमारा जीरा गार्निशिंग के लिए कूट के तैयार है, देख सकते हैं बिल्कुल। मैंने बड़ी मेहनत से, कड़ी तपस्या से इसे महीन कर दिया है। अब चलिए देखते हैं नेहा क्या कर रही है। अब तुम बताओ नेहा क्या कर रही हो? अब छोला बन रहा है, पहले प्याज डालो। और अब छोला बना बनाए, और इसमें पानी और ध्यान देना है। खाने में टेस्टी लगेगा ना? बहुत टेस्टी, देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आलू किस लिए?
समोसा के लिए पूरा सेफ हो गई हो आज, आज पूरा सेफ वाला काम कर रही हो। मन है तो डाल सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं डाल सकते हैं। तो सारा तैयारी हो चुका है, अब बस समोसे छानने की बारी है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पेट में हलचल हो रही है पेट में। और देखिए नेहा आप तैयारी में लगे हुए हैं, नेहा को दिखाते हैं क्या कर रही हो नेहा। ये हमारा समोसा छन रहा है गर्मा गर्म घी में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये समोसा चाट का सारा आइटम बनके तैयार है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये है समोसा, ये है प्याज, ये है काला नमक और मिर्च, दही, ये जीरा पाउडर, ये इमली का पानी और ये छोला। अब इसको बनाते हैं और बताएंगे आपको कैसा बना है। ये हमारा चाट बन के तैयार है, अब आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। बहुत बढ़िया बना है सच में। नेहा तो बताओ कैसा बना, कैसा बनाए हम क्या बहुत ज्यादा टेस्टी है। और क्या रहा? क्या रहा? इसको भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, अभी खा लेते हैं फिर आपसे बात होगी। मैंने तो खा लिया और नेहा तो अभी खा रही है। थैंक यू, प्लीज मेरे ब्लॉग को व्यू कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स भी कीजिए। आप जितना वीडियो लाइक कीजिएगा हम लोग को प्रेरणा मिलेगा ताकि हम लोग वीडियो बनाएं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं हम लोग किस चीज़ पे वीडियो बनाएं। नेहा बाय बोलो। Okay.